Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंग्री स्पून चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। तो अब जब खाना ना बन पा रहा हो तो देखो हंग्री स्पून और सीखो नई नई रेसिपी, तो सब्सक्राइब कर लो इसी बात पर ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए। आज की हमारी रेसिपी सर्दियों की खास रेसिपी है। जी हाँ, आज हम मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि कम समय में कम सामान से ये फटाफट ही रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, खाने में बहुत ही बेहतरीन होता है। तो मटर पुलाव को बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए फटाफट देख लेते हैं। आज हम मटर पुलाव बनाएंगे। मटर पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पे बासमती राइस ले लिया है, ये हमारा लगभग 1.5 kg है और इसको हमने 2 घंटे भिंगा करके रख दिया था, ताकि हमें प्रेशर कुकर में आज मटर पुलाव बनाएंगे तो कम समय में और कम पानी में ये फटाफट बन करके तैयार हो जाए। जो बच्चे हमारे कुकिंग में नए हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से मैं मटर पुलाव बनाना बता रही हूँ। तो 1.5 kg इसमें चावल है, चावल को हमने धुल करके भिंगा दिया था 2 घंटे पहले, उसको कई पानी से हमने 2-3 से 4 पानी में हमने धुल करके इसका पानी ड्रेन कर दिया है। साथ में 1.5 kg चावल है तो उसके साथ हमारे पास 1.5 kg ही मटर है। आप मटर की क्वांटिटी कम और ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चावल के बराबर आप लें या फिर चावल से ज़्यादा लें तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, बाकी आपकी मर्जी, इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, प्रेशर कुकर में इसमें रिफाइंड तेल डालेंगे। ये लगभग हमारा 3 से 4 चम्मच हमारा रिफाइंड तेल है। तेल की भी मात्रा आप इसमें कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं, बटर में भी बहुत अच्छा बनता है। तेल हमारा गर्म हो गया है और यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। खड़े मसालों में हमने 2 हरी इलायची और 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा है, ये लगभग हमारा 2 इंच का टुकड़ा होगा, और साथ में 1 जावित्री का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग है, और इसमें स्याह जीरा, काला जीरा जिसको कहते हैं, वो अक्सर पुलाव में जाता है, वो हमने 1 चम्मच लिया है, और इसके साथ 1/2 चम्मच हमने सफेद जीरा लिया है। तो इनको हम डाल देंगे और इन मसालों को, खड़े मसालों को हमें तेल में अच्छे से लाइट गोल्डन कलर का लेना है, क्रैकल हो जाएगा और इसमें इसकी तेल में इसकी मसालों की खुशबू आ जाएगी। फिर हम यहाँ पर हमने इसमें डालने के लिए 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, इसको हमने महीन महीन काट लिया है। साथ में 2 बड़े साइज के टमाटर हैं, ये लगभग हमारा 250 ग्राम प्याज है और 250 ग्राम हमारा टमाटर है। टमाटर की मात्रा आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 3 से 4 हरी मिर्च हमने ले लिया है और इनको बहुत ज्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं किया है, 20 से 2 हिस्से हमने कर लिए हैं, इसकी भी मात्रा आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म होने के बाद हमने खड़े मसाले डाल दिए हैं, खड़े मसालों में भी हमारा अच्छे से कलर आ गया है। अब इस स्टेज पे हमें ये प्याज डाल देना है। और प्याज को हमें लाइट गोल्डन कलर में करना है। प्याज का कलर देखिए लाइट गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ज्यादा इसको डार्क नहीं करना है। तो इस स्टेज पे हमें यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट हमें लिया है 1 चम्मच। अगर अदरक लहसुन नहीं खाते हैं तो उसको आप हटा सकते हैं, उससे भी कोई स्वाद में फर्क नहीं आएगा। और या फिर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास अदरक लहसुन नहीं पिसा हुआ है, तो आप 4 से 5 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके हल्का सा इसमें कूट करके आप उसको भी डाल सकते हैं, या आप खड़ा डाल दें फिर बाद में आप हटा दें, उससे उसका जो भी अदरक और लहसुन का फ्लेवर है उसमें आ जाएगा। इस तरह से ये लहसुन अदरक हमारा भून गया है। अब हम टमाटर डाल देंगे इसमें और टमाटर के साथ हमें ये मटर जो धुल करके हमने रखा है उसको डाल देंगे, और इसके साथ हमें इसमें कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में हमने सबसे पहले इसमें 2 टेबल स्पून इसमें नमक है, जितनी क्वांटिटी में हमारे मटर और चावल है उसके हिसाब से हमें 2 टेबल स्पून इसमें नमक लिया है। साथ में 1 चम्मच हमें लाल किसी भी मिर्च लिया है, इसकी मात्रा आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, कस्तूरी मेथी 1 चम्मच लिया है, साथ में 1 चम्मच हमने गर्म मसाला लिया है और 1 चम्मच इसमें जीरा पाउडर है, हो जाएगा। और इन सभी को हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है टमाटर गलने तक, और इसको हमें ढक देना है और तेज आंच पे हमें टमाटर गलने तक मटर को भून लेना है। 2 से 3 मिनट हो गया इसको भूनते हुए और तेज आंच पे हमने टमाटर को गलने तक भून लिया अच्छे से। अब इस स्टेज पे हमें इसमें हरी धनिया डाल देनी है
ये लगभग हमारी 2 बड़े चम्मच में धनिया हमने डाल दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। और ये जो चावल हमने धुल करके रखा है उसको डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो गया है और एक गिलास ले लेंगे। अगर जो बच्चे हमारे कुकिंग में नए हैं उनको अंदाज नहीं है, तो जिस भी गिलास से आप पानी पीते हैं और उससे नाप के हमें इसमें पानी डालना है। चावल भींगे हुए थे इसलिए ध्यान रखना है, पानी जब हम डालेंगे तो पानी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो चावल हमारे गीले हो जाएंगे। अगर चावल को अलग अलग बनाना है तो पानी की मात्रा हमें इसमें देख करके डालनी है। हमने लगभग 2.5 गिलास पानी इसमें डाला है, 2.5 हमने गिलास पानी डाला है, तो ये लगभग हमारा 700 ml पानी इसमें हमने डाल दिया है। इनको हमें चारों तरफ से एक बार मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसको अपने हाथों में इसके पानी को थोड़ा सा चख लें चम्मच से। अब नमक थोड़ा सा निकलता हुआ होगा तो समझ लीजिए आपने जो भी नमक की मात्रा डाली है अपने चावल और मटर की क्वांटिटी के हिसाब से परफेक्ट है। अगर पानी में हल्का सा नमक आपको कम लग रहा है तो थोड़ा सा आधा चम्मच आप और डाल लें और फिर इसको पानी को चखें, तो थोड़ा सा पानी में नमक तेज होना चाहिए। हल्का सा नमक तेज रहेगा पानी में तो आपका चावल में एकदम बराबर में नमक रहेगा और नमक कम वाला नहीं बनेगा और सही मात्रा रहेगी आपके चावल और मटर के क्वांटिटी के हिसाब से। अब हमें कुकर को बंद कर देना है और 1 सीटी के बाद हमें गैस बंद कर देना है और हाई फ्लेम पे हमें 1 सीटी लगाना है और 1 सीटी के बाद हमारा ये मटर पुलाव बन करके तैयार हो जाएगा। तो आइए 1 सीटी के बाद हम इसको बंद करके फिर आपसे मिलते हैं। कड़ाके की ठंड में और ये गर्मा गर्म मटर पुलाव की रेसिपी अगर खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। जी हाँ, इसे आप लहसुन की चटनी के साथ या फिर दही के साथ, दही और पापड़ के साथ सर्व करें और इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मटर पुलाव को एंजॉय करें। मटर पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह से हमारे हंगरी स्पून चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों को बहुत बहुत ख्याल रखें, उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू। Watching, stay tuned with Hungry Spoon.